नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान बढ़ाओ टीवी। दोस्तों, कहा जाता है कि पुरानी जगहें और पुरानी चीज़ों में कब किसका वास हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, कौन सी परछाई उसमें घर कर जाए ये कोई नहीं कह सकता, कौन सी काली छाया उसे अपने वश में कर ले ये भी कोई नहीं कह सकता। एक ऐसी ही सच्चाई लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कालका से शिमला तक जाने वाले रेल रूट पर बने टनल नंबर 33 का। कालका से शिमला तक जाने वाले रेल रूट पर वैसे तो कई सारी टनल पड़ती हैं, लेकिन उनमें सबसे खास और खौफनाक टनल नंबर है टनल नंबर 33। कहा जाता है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा का वास है जिसने टनल के ठीक सामने आत्महत्या कर ली थी। क्या है इस टनल की कहानी, हम आपको बताने जा रहे हैं, तो हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, टनल का नाम है दी बरोग टनल, जिसे टनल नंबर 33 भी कहते हैं। 1143.61 मीटर लंबी यह टनल कालका शिमला मार्ग पर बरोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था और यह दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस टनल को पार करने में ट्रेन को 2.5 मिनट लगते हैं। ब्रिटिश काल में कर्नल बरोग नाम का ब्रिटिश इंजीनियर था जिसे इस टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एस्टीलिन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और दो छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के निर्देश दिए गए। उसका अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल के काम में थोड़ा डेविएशन आ गया। सुरंग खोदते वक्त ऐसे डेविएशन आना वैसे ही आम बात है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह ठीक नहीं लगा। सरकार ने पैसे की बर्बादी करने का कर्नल पर 1 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई थी। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और खुद को गोली मार ली। जिस जगह पर इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी उस जगह पर आज बरोग पाइन वुड होटल है। खून से सना इंजीनियर का शव घंटों तक वहीं पड़ा रहा। जिस वक्त इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी उस वक्त वहां कोई नहीं था। इस आत्महत्या का प्रत्यक्षदर्शी सिर्फ कुत्ता था। इंजीनियर बरोग को अर्धनिर्मित टनल के सामने ही दफना दिया गया था। इंजीनियर की मौत के बाद 1900 में टनल पर फिर से काम शुरू हुआ और 1903 में टनल पूरी तरह तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने टनल का नाम इंजीनियर के नाम से ही रखा, बरोग टनल। इस टनल को पूरा करने का काम HS हार्लीगटन ने किया। उनकी मदद स्थानीय संत बाबा भालकू ने भी की। इस टनल के निर्माण में 8.4 लाख रुपए का खर्च आया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के पास कोई नहीं जाता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आती है। हालांकि वास्तव में यह टनल बेहद खौफनाक है भी। अगर टनल के अंदर लगी सारी लाइटें बुझा दी जाए तो अंदर बेहद डरावना मंजर होता है। अंदर पहाड़ का पानी रिसता रहता है। इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर आपको एक सुरंग मिलेगी जहां से अजीबोगरीब आवाजें आती है। सरकार ने उस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का दरवाजा भी लगाया, लेकिन एक दिन लोगों को दरवाजे का ताला टूटा मिला। तब से लेकर आज तक उसमें ताला नहीं डाला गया। कोई भी वहां जाकर खौफनाक आवाजें सुन सकता है। दोस्तों, भूत प्रेत एक ऐसा विषय है जो साइंस नहीं मानता, और साइंस के ना मानने का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। भूत प्रेतों के देखे जाने के हजारों लाखों किस्से मिलते हैं, हजारों लाखों घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें जिक्र है कि किसी ने किसी मृतक व्यक्ति को देखा और देखते ही वह अगले ही क्षण गायब हो गया।
विज्ञान इस बात को डिनाई करता है कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि विज्ञान ही सारी हकीकत की जड़ों तक पहुंच पाए, क्योंकि विज्ञान एक तरफ तो ये मानता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं और दूसरी तरफ ये भी मानता है कि एनर्जी कान बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका क्या मतलब हुआ? क्या आत्मा एक एनर्जी के फॉर्म में नहीं है? एनर्जी ही तो है आत्मा, जो ट्रैवल करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो फिर यहाँ विज्ञान का ये कहना कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, या फिर ये कहना कि भूतों प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं है, सरासर गलत लगता है। क्योंकि भूत प्रेत और क्या है, एनर्जी ही तो है, हमारी ऊर्जा ही तो है, जो हमारे शरीर से अपना वक्त पूरा होने पे, अर्थात शरीर के वक्त के पूरा होने पे, खुद ब खुद निकल के किसी नए शरीर की तलाश में चली जाती है। और वो जो तलाश का पीरियड होता है बीच का, वही तो है उनकी गति, जिसमें लोग उनको भूत प्रेत बोल देते हैं। और वही वो अवस्था है दोस्तों, जिसमें हमको नज़र आता है कोई प्रेत या फिर कोई भूत। तो दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।